दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह पेटीएम का BC एजेंट बनना चाहते हैं, वो भी घर बैठे, और KYC करना चाहते हैं कस्टमर की, और इसी तरीके से और भी जो सर्विसेज पेटीएम BC एजेंट सभी कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं वो देना चाहते हैं, और उसके एवज में कमीशन वगैरह कमाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ, किस तरीके से मैं पेटीएम BC एजेंट बना था और आप किस तरीके से बन सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको मैं सिंपल वे में बताने जा रहा हूँ, कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं बताऊंगा। जिस तरीके से मैं बना था उसी तरीके से आपको भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप पेटीएम का BC एजेंट बन सकते हैं, और अपने एरियाज में पेटीएम की KYC वगैरह, पेटीएम के कैश विड्रॉल सर्विसेज, पेटीएम की डिपॉजिट सर्विसेज अपने एरियाज में प्रोवाइड करा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि पेटीएम के एजेंट के अंदर जो हमारे पास KYC पॉइंट होता है, ये वाला ऐप होता है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला ऐप होता है जिसे पेटीएम एजेंट ऐप कहते हैं। तो सिंपली ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा या यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, बहुत सारी ऐप आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अब आपको इसके लिए लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह चाहिए होता है। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, और लॉग आउट करके, तो ये मैंने यहाँ पर लॉग आउट कर दिया। अब लॉग आउट करने के बाद हमें यहाँ पर एक आईडी डालनी होती है, साथ ही यहाँ पर एक पासवर्ड डालना होता है, और ये पासवर्ड डालेंगे जब जब आपके पास इसकी आईडी वगैरह होगी। तो इसकी आईडी और पासवर्ड किस तरीके से मिलता है, तो इसके बारे में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जब मैं पेटीएम KYC एजेंट बनना चाहता था, तो मैंने किस तरीके से इसका पोर्टल लिया था। तो ये पोर्टल जो मैंने लिया था, वो पोर्टल लिया था मैंने अपने पेटीएम के जो कस्टमर केयर होते हैं, पेटीएम का कस्टमर केयर आपको देखने को मिल जाएगा, आप गूगल कर लीजिएगा या पेटीएम के ऑफिशियल ऐप के अंदर कस्टमर केयर नंबर होता है, वहाँ पर मैंने कॉल लगाई थी कस्टमर केयर को, और मैंने वहाँ पर जानकारी ली थी कि मुझे पेटीएम का KYC एजेंट बनना है। तो उन्होंने मुझे यहाँ पर बताया था कि आप अपने एरिया के किसी कॉरेस्पॉन्डेंट से कॉन्टैक्ट कीजिए। अब मैंने वहाँ पर मालूम किया कि ये कॉरेस्पॉन्डेंट कौन तो होते हैं और ये कहाँ पर मिलेंगे, तो उन्होंने मुझे अपने एरियाज में मेरे एरिया के कॉरेस्पॉन्डेंट का नंबर दे दिया था। और दूसरा तरीका ये भी बताया था उन्होंने कि अगर आप किसी भी कॉरेस्पॉन्डेंट से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो अपने नियर बाई जितने भी आपके पेटीएम KYC पॉइंट हैं, वहाँ पर चले जाइएगा और वहाँ से पेटीएम के कॉरेस्पॉन्डेंट का नंबर ले लीजिएगा। कोई भी आपको पेटीएम का कॉरेस्पॉन्डेंट का नंबर दे देगा, ध्यान रखिएगा कि अपने एरिया में जो आपके एरिया में इंचार्ज होगा उसी का कॉरेस्पॉन्डेंट का नंबर लीजिएगा, क्योंकि वही आपके एरिया में आपकी शॉप वगैरह को देख के, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद ही आपको इसकी आईडी प्रोवाइड कराता है। ऑनलाइन किसी भी चक्कर में मत पड़िएगा, किसी भी तरीके के फ्रॉड के चक्कर में मत आइएगा। आए दिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन कमेंट सेक्शन में देख लेते हैं या यूट्यूब पर सर्च कर लेते हैं, और एजेंट वगैरह का नंबर उन्हें वहां मिल जाता है, वो उसके बाद पैसे ले लेते हैं, और पैसे लेने के बाद उन्हें यानी कि उनका फोन नहीं उठाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, तो आप भी इस तरीके के फ्रॉड से बच के रहिएगा। अगर आपको अपने एरिया में किस तरीके की सर्विस चाहिए है, तो आपको सबसे पहले अपने पेटीएम के कॉरेस्पॉन्डेंट से मिलना है। कॉरेस्पॉन्डेंट मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको मिल सकता है, या तो आप कस्टमर केयर पर फोन लगाइएगा, वहां से अपने एरियाज के कॉरेस्पॉन्डेंट का नंबर ले लीजिएगा, या दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप अपने किसी भी नियर बाई पेटीएम KYC पॉइंट पे चले जाइएगा, जहां पर भी पेटीएम की KYC होती है या पेटीएम का पैसा निकाला जाता है या डाला जाता है पेटीएम अकाउंट के अंदर, तो वहां से उनके पेटीएम KYC कॉरेस्पॉन्डेंट का नंबर ले लीजिएगा। उसके बाद वो आपको, जब आप उसे फोन लगाएंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास एक शॉप जरूर होनी चाहिए। अगर आपके पास शॉप नहीं होगी, तब भी आपको ये वाला पोर्टल नहीं मिलेगा, या फिर आपके पास घर से काम कर रहे होंगे तब भी आपको ये मिल जाएगा, लेकिन शॉप या घर आपका अपना ही होना चाहिए। और उसके बाद ये पोर्टल लेने के बाद आप, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसके बाद वो वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद इसका ऐप का आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह दे देंगे, जिसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास एक फिंगरप्रिंट डिवाइस होनी चाहिए, क्योंकि फिंगरप्रिंट डिवाइस से ही आप KYC करते हैं। किसी भी कस्टमर का जब KYC करते हैं, तो थंब इंप्रेशन लेना होता है, यानी कि अंगूठे के निशान या उंगली के फिंगरप्रिंट लेने होते हैं, और जब फिंगरप्रिंट लेते हैं तभी KYC होती है। इसी तरीके से कैश विड्रॉल का भी प्रोसेस होता है, अगर आप किसी कस्टमर का पैसे वगैरह निकालना चाहते हैं, तो उसमें भी फिंगरप्रिंट डिवाइस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि थंब इंप्रेशन वगैरह से ही इसके अंदर काम किया जाता है। तो इस तरीके से आप पेटीएम KYC एजेंट बन सकते हैं। कमीशन से रिलेटेड अगर और जानना है, आपको कमेंट में लिखिएगा, कमीशन से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन अगर आप कहेंगे तभी लाऊंगा, अगर आपको जरूरत होगी तो बता दीजिएगा। इसके ऊपर नेक्स्ट अगर वीडियो में आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, सवाल रह गया हो कोई मन में, या आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आखिर में जाते जाते हैं।